गुरु भाग एक। गुरु कौन है? ओम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे महान गुरुओं का कहना है कि ओम इन्नि स्मरिक्यात्मन गृदम सर्वम स्मरिक्युगा, यानी यदि कोई ओम का स्मरण करता है तो वह इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ स्मरण करने जैसा है। सारांश में यह बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड के हर एक को गिनकर स्मरण करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज को एकजुट करने वाली ध्वनि है ओम। गुरु। गुरु अंधकार को दूर करके प्रकाश लाता है। यहाँ पर बोले जाने वाला अंधकार हमारे भीतर की अज्ञानता है। हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारे जीने का मतलब क्या है, मृत्यु क्या है, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, जन्म से पहले क्या स्थिति थी, विवाह क्यों करते हैं, बच्चे क्यों चाहिए, यह ब्रह्मांड कैसा बना, ऐसे और भी बहुत सारे सवाल। हमें किसी भी चीज़ के बारे में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है। गुरु वह है जो इस सारी अज्ञानता को दूर करता है और आपको ज्ञान की रोशनी का अनुभव कराता है। अनुभव के माध्यम से जाने वाली चीज ही ज्ञान है। जो भी कुछ बिना अनुभव का मिलता है वह केवल जानकारी है। इसलिए कहा गया है कि अध्यात्म का अनुभव करना चाहिए। अध्यात्म से व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, न कि सिर्फ जानकारी। गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान, मतलब गुरु ज्ञान है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे महान, यानी अनंत। अनंत भी कहा जा सकता है। ज्ञान ही सबसे महान और अनंत है। गुरुर विष्णु। विष्णु का अर्थ है वह जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वह गुरु है। ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु को उठाकर देखा जाए तो अनुभव से समझ में आएगा कि यह सब ज्ञान है। उदाहरण के लिए एक आम की बात करें तो उसका आकार स्वाद गंध और रंग सब कुछ ज्ञान है। और जब हम उस आम को खाते हैं तो वह हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। हम जो भोजन खाते हैं वही हमारी हड्डी मांस बीज रक्त स्वभाव इत्यादि बन जाता है। इसलिए हमें यह कहना पड़ेगा कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है बल्कि ज्ञान है। इसका मतलब है कि यह पूरा ब्रह्मांड ज्ञान से भरा है। गुरुदेवो महेश्वरा। महान ईश्वर जो देवों का देव है, जो स्वयं प्रकाशित है, सिर्फ वही दूसरों को प्रकाशित कर सकता है। मतलब गुरु स्वयं प्रकाशित है, ज्ञान ही स्वयं प्रकाशमान है। गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। ज्ञान ही स्वयं आरंभ और अंत के बिना है और वही अनंत है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि उस परम ज्ञान का कोई रूप है जिसे हमारी साधारण आंखों से देखा जा सके तो उसी को तस्मै बोलते हैं, यानी तस्मै शब्द उस अर्थ को साकार करता है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में एक रूप में व्याप्त उस ज्ञान या चैतन्य को प्रणाम। गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है। जब हम गुरुओं को एक व्यक्ति या रूप या देवता के रूप में पूजने लगते हैं तो हमारी सोच संकुचित होकर उस एक रूप या देवता तक ही सीमित हो जाती है। वहाँ हम यह भूल जाते हैं कि ये सारे रूप कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है। आसपास के सभी जीव जंतुओं और ब्रह्मांड के अन्य प्राणियों को भूलकर हम स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता की ओर जाते हैं। इसलिए लोग मंदिर जाने के बावजूद बिना हिचकिचाहट जानवरों को मारकर खाते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। वे सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ही चैतन्य को देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड एक ही चैतन्य से भरा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञान या चैतन्य को आत्मसात करके गुरु को हम पहचानना चाहिए। यह सत्य हम भूल रहे हैं।